हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हॉटस्पॉट स्टडी पर। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के स्कोर कार्ड आपको कब पता चलने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ऑफिशियल तरीके से समझाऊंगा और आप लोग कैसे चेक कर पाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। दोस्तों, आपको मैं डेट बताने वाला हूं जब आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर पाएंगे। आप लोगों ने अपनी आंसर की चेक करी होगी, आपको आपके मार्क्स पता होंगे। जो भी आपको आंसर की देखने के बाद आपको मार्क्स पता चले हैं वो हैं आपके रॉ मार्क्स, ठीक है दोस्तों, वो हैं आपके रॉ मार्क्स। और दोस्तों, जो आपके मार्क्स बढ़े हैं या फिर घटे हैं, प्लस हुए हैं या फिर माइनस हुए हैं, वो होंगे आपके नॉर्मलाइज मार्क्स, ठीक है, जो आपको पता चलेंगे कब, जब आपका स्कोर कार्ड ऑफिशियल रिलीज़ होगा। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले स्कोर कार्ड जो रिलीज़ करने का टाइम होता है वो होता है 5 से 6 दिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 8 से 9 दिन हो चुके हैं और अभी तक स्कोर कार्ड नहीं आया हुआ है एसएससी जीडी कांस्टेबल का। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल ऐसी डेट बताने वाला हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के स्कोर कार्ड आने की, जिसमें आप चेक कर पाएंगे कि आपके मार्क्स कम हो गए हैं या फिर बढ़ गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आज रात को 8 बजे के बाद सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं आपके स्कोर कार्ड ऑफिशियल तरीके से आने की, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, एसएससी जितने भी स्कोर कार्ड रिलीज़ करता है वो रात को ही रिलीज़ करता है। आपने देखा था एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट आया था, 21 तारीख डेट दी थी, लेकिन 20 तारीख को उसने रात को ही वो रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो एसएससी ज़्यादातर जो रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, रिज़ल्ट और स्कोर कार्ड जो रिलीज़ करता है वो नाइट में ही रिलीज़ करता है, ठीक है। अब दोस्तों, बात करते हैं। देखिए, यदि दोस्तों आज रात को आपका रिज़ल्ट नहीं आया, स्कोर कार्ड नहीं आया, तो वो दोस्तों कल आपको देखने को 101% मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है स्कोर कार्ड रिलीज़ करने के लिए एसएससी को। सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं आज रात को ही आने की। अब दोस्तों, आपका स्कोर कार्ड आएगा तो आप लोग चेक कैसे करेंगे, बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। आपको क्या क्या वहां पर फिल करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, उससे पहले कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर वैकेंसी की पल पल की अपडेट दी जाती है। देखिए दोस्तों, जब एसएससी सीपीयू का आपने देखा था, जब एसएससी सीपीयू का रिज़ल्ट आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये आप देख सकते हैं, 25 मई को सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ एग्जामिनेशन 2018। दोस्तों, जब इसका रिज़ल्ट दिया गया था, ठीक है, इसमें बताया गया था फिजिकल के लिए कौन कौन पास हुए हैं, ठीक है, उनको मार्क्स नहीं बताया गया था। मार्क्स बताया गया दोस्तों 30 तारीख को। ये देखिए, अपलोडिंग ऑफ मार्क्स ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ एग्जामिनेशन 2018। अब देखिए दोस्तों, दोनों में कितने दिन का फ़र्क है, 5 दिन का फ़र्क है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपका स्कोर कार्ड आ जाता है, लेकिन एसएससी जीडी में ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। आप जानते हैं 8 से 9 दिन होने को आ गए हैं, लेकिन अभी तक स्कोर कार्ड नहीं आया है और सबसे ज़्यादा संभावनाएं आज नाइट में आने की हैं। अब दोस्तों, मैं आपको इसमें क्लिक कर बताऊंगा आपको कैसे अपना स्कोर कार्ड चेक करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, आपको लिंक दी जाएगी, ठीक है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए दोस्तों, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, एक नोटिस डाउनलोड होगा। दोस्तों, उस नोटिस में जानकारी दी होगी कि आप लोग कब से कब तक अपने स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जानकारी दी होगी कि आप इतने दिन तक अपने स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक हियर टू चेक मार्क्स में आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, आप क्रोम ब्राउज़र में जाइएगा। जब आप क्रोम ब्राउज़र में इसको ओपन करेंगे दोस्तों, देखिए ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या क्या यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। दोस्तों, अब देखिए, यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा सिलेक्ट एग्ज़ाम, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी यहाँ पर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का ही बस दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर अभी इसलिए एसएससी जीडी का नहीं दे रहा क्योंकि इसका अभी आया नहीं है। सबसे ज़्यादा संभावना आज रात को ही आने की है एसएससी जीडी स्कोर कार्ड की। तो आपको यहाँ पर एसएससी जीडी दिख जाएगा, तब आपको उसमें क्लिक करना है ऐसे करके। देखिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए यहाँ पर शो होने लगा है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ऐसे ही आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल का भी शो होगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड डालना पड़ेगा। नहीं आप भूल गए होंगे तो जनरेट पासवर्ड इफ़ फॉरगेट, यदि आप भूल गए हैं तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और इंटर यहाँ पे आपको टेक्स्ट करना पड़ेगा, जो टेक्स्ट है आप यहाँ पर इंटर करेंगे, उसके बाद आप सबमिट कर देंगे दोस्तों। और आपका जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, आपका जो स्कोर कार्ड है वो आपके सामने ऑफिशियल तरीके से ओपन हो जाएगा और आपको बिल्कुल डिटेल में पता चल जाएगा कि जब मेरे मार्क्स 50 थे तो मेरे मार्क्स 45 हुए हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद या फिर 55 हुए हैं, ठीक है।
ये आपको बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से डिटेल में पता चल जाएगा। जैसे ही दोस्तों रिजल्ट की लिंक एक्टिवेट होती है, वो लिंक हम आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करवा देंगे। आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके इसी पेज पर आ जाएंगे और सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा और एंटर टेक्स्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे और आपका स्कोर कार्ड आपके सामने होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कुछ भी आपके क्वेश्चंस होते हैं SSCD कांस्टेबल से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, चाहे वो फिजिकल से लेकर हो चाहे किसी भी अदर चीज़ से लेकर हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा।